अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है यानी ये तो पक्का है कि तुम एक एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना हो, यानी कि तुम भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो। एज ए स्टूडेंट तुम जीरो से हीरो बनना चाहते हो। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है टीयर 3 के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मुश्किल से 25 दिन बचे हैं आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जिसमें फॉर्म भी फिलअप करना है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने 4 स्टेप्स को इन्वॉल्व किया है, जिसको फॉलो करके डेफिनेटली तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है अचीव अ माइंडसेट ऑफ ए टॉपर, यानी कि तुम्हें खुद को सबसे पहले एज ए टॉपर बिलीव करना होगा कि तुम एक टॉपर हो, तुम्हें एग्जाम में बेस्ट अपना देना है। अब तुम ही बाकी के 90% स्टूडेंट की तरह डिस्ट्रैक्ट होकर इस वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़ के जाने का मन कर रहा होगा, या फिर तुम्हारा मन कर रहा होगा कि दूसरा वीडियो देखने का। कभी तुमने सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम्हारा माइंडसेट एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट या फिर टॉपर वाला नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन तुम्हारा माइंड शायद ये सोचता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम एक के बाद दूसरे वीडियो पे जंप करते रहते हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें पहले खुद पर एक टॉपर की तरह बिलीव करना होगा। तुम्हें ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस और गलत माइंडसेट आपको हाई स्कोरिंग स्टूडेंट कभी नहीं बना सकता। आप शायद विराट कोहली को जानते होंगे। वो किसी भी सीरीज से पहले खुद को तैयार करते हैं और विजुअलाइज करते रहते हैं कि सामने वाली टीम के बेस्ट बॉलर को कैसे खेलना है, उसके सबसे डेडलीस्ट बॉल को कैसे बाउंड्री पार पहुँचाना है, और वो हर समय इस चीज़ को विजुअलाइज करते रहते हैं ताकि उन्हें जब पिच पर वो जाएं तो उन्हें शॉट सेलेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो। सो अब आप समझ गए होंगे कि विजुअलाइजेशन का पावर कितना इफेक्टिव होता है, यानी कि आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि आप एक टॉपर हो। आपको लूज़र की तरह नहीं सोचना है, कि टॉपर की तरह सोचना है। इसके बाद तुम्हें टेक्निक पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई बस यूँ ही नहीं हो जाती। समझा जैसे समझा वो कर लिया, टीचर ने जो पढ़ा है उसे आंखें बंद करके रट लिया। इसलिए स्टेप 2 को तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पैटर्न एनालिसिस। अगेन इस बात पर फोकस करो कि स्टडी हार्ड नहीं, स्टडी स्मार्ट करना है। इसके लिए स्टेप्स को याद रखो कि पढ़ने से पहले थोड़ी एनर्जी और टाइम हमें उस चीज़ पर लगाना है कि पढ़ना कैसे है। तुम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके पैटर्न को देखो, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा कंज्यूमिंग है और कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है और किस बुक से प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम जिस भी टाइम को सेलेक्ट करते हो पढ़ने के लिए, उसमें तुम ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सिलेबस को कवर करोगे। स्टेप 3, कमिट टू अ सिंगल सोर्स। हमें 10 सोर्स के बजाय किसी एक सिंगल सोर्स को फॉलो करना है और उसको जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करनी है या फिर रिविजन करना है। तो इसके लिए तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो स्टूडेंट थे, ए और बी। वो किसी एक बंजर जमीन पर फंसे हुए थे और उनके हाथ में सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, ना कुछ खाने को था ना ही पीने को था। तो स्टूडेंट ए है जमीन खोदना शुरू करता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो 2 घंटे खोदता है, पर उसे वहाँ पानी नहीं मिलता। तो वो आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर 3 घंटे खुदाई करता है, वहाँ भी उसे पानी नहीं मिलता। तो वो और आगे बढ़ जाता है, वहाँ 3 घंटे खुदाई करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसे पानी नहीं मिलता और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं स्टूडेंट भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वहाँ लगातार 4 घंटे खुदाई करता है और इतना गहरा गड्ढा कर देता है कि उसको पानी मिल जाता है और वो अपनी प्यास बुझाकर अपनी जान बचा लेता है। हम रियल लाइफ में भी इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बार बार जंप करके दूसरे सोर्सेज पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसी सोर्स पे 2 घंटा, किसी सोर्स पे 2 महीने, किसी सोर्स पे 4 महीने। हमें सिंगल सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी की तरह किसी एक ही जगह पर फोकस करके वो लगातार खुदाई करता रहता, एक टाइम ऐसा आता कि उसे पानी मिल जाती और वो अपनी जान बचा लेता। तो हमें अलग अलग 10 मेथड के पीछे नहीं भागना, बल्कि एक मेथड पर कमिट रहना है और उसको बार बार रिवाइज करना है।